हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। और टुडे आप सीखेंगे मेरे साथ फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग में लेके सॉल्व करना है आप मेरे साथ आज सीखेंगे। और दिस सिंगल वीडियो इज नॉट मोर देन इनफ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। काफी और वीडियोज भी आएंगी, काफी और वीडियोज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा टू मेक दिस टॉपिक वेरी इजी, राइट। चलिए आज की इस वीडियो में कुछ 10 टू 12 क्वेश्चन हम करेंगे सो दैट कि आप अच्छे से इसको समझ पाए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45, राइट। देखिएगा कैसे आपको स्प्लिट करना है। यहां पे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म यानी कि ये मिडल टर्म हो गया आपका। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है बच्चों की आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है दैट शुड बी रिटन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर, सेकंड क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड पावर, पावर 2 ऑफ द एक्स वेरिएबल शुड बी रिटन हियर, देन एक्स एंड देन कांस्टेंट टर्म, ये होना चाहिए आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं है आपके पास, तो यू विल रीअरेंज दिस, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ओके। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसके बाद आपको दो बातों पे फोकस करना है, सम और प्रोडक्ट। इस पे फोकस करना है, सम एंड प्रोडक्ट। सम क्या होना चाहिए? देखिए जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं टू पार्ट्स में, तो जब आप वापस तुम दो नंबर्स को सम करेंगे तो आपके पास वही आना चाहिए। मीन आपको सम क्या चाहिए, प्लस 12 यानी कि 12x आपको सम चाहिए, यानी कि 12x को ही आप स्प्लिट करेंगे। तो आप जो उन दो नंबर को वापस जब सम करो तो आपके पास 12x आना चाहिए। पहली बात यह होगी। दूसरा आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट बच्चों आपको चाहिए इस टर्म और इस टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45 तो ये हो जाएगा माइनस 45x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस 45x स्क्वायर। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं कि 45 के अगर आप फैक्टर्स करो तो कौन से दो नंबर मिलेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट चाहिए आपको उसको आप सप्लिट करके देखिएगा, उसको आप फैक्टर्स करके देखिएगा, ठीक है। स्प्लिट आपको इसको करना है सेंट्रल टर्म को, ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर करके देखिएगा वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आप ये बताइए कि 45 आपके पास कैसे आता है, 45 आपके पास किसके तरीके से आता है, 9 × 5 आपके पास 45 आता है, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा, लेकिन 9 × 5 में प्रॉब्लम क्या रही, हम दूसरा क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि 9 + 5 करता हूं तो मेरे पास 14 आ जाता है, सम 12 नहीं आ रहा है, और 9 − 5 करूं तो मेरे पास 4 आता है, 12 फिर भी नहीं आता है, ओके। तो मेरा ये जो प्रोसेस, ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये काम में नहीं आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं करता हूं 15 × 3, 15 × 3 45 होता है मेरे पास, ठीक है, प्रोडक्ट मुझे ठीक मिल रहा है, बट 15 − 3 करूं तो मेरे पास 12 आ रहा है, फैक्टर ठीक बन रहा है आपका। 15 + 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 15 − 3 कर देंगे दैट इज गुड। So, आप 15 को प्लस ले लीजिए और इसको माइनस ले लीजिएगा, प्रोडक्ट भी आपको माइनस चाहिए तो माइनस 45 आपको मिल जाएगा, ओके। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x एंड माइनस 45। मैंने प्लस 12 को स्प्लिट कर दिया है, प्लस 12 को मैंने लिखा 15x माइनस 3x, मैं लिख सकता हूं बिकॉज 15x में से 3x माइनस करूंगा तो मेरे पास 12 बचेगा, वेरी राइट। एंड 15 × 3 45 और प्लस माइनस माइनस 45x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों, कॉमन लेना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों टर्म में से मैक्सिमम कॉमन आपको फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 15 आपके पास रहेगा। यहां से आप माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 15 आपके पास अंदर रहेगा। यही स्टेप आपको बता देगा कि आपके फैक्टर जो है वो ठीक है या नहीं है। आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मैं इसको क्रॉस कर देता, ओके okay? आप इस वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं, ओके okay? यहां पे आपको ये वाला स्टेप आपका बता देगा कि आपके फैक्टर्स ठीक हैं, आपने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है दैट इज करेक्ट। कैसे? दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यू हमेशा आपके पास बचेगी एचसीएफ निकालने के बाद, कॉमन निकालने के बाद। तो यहां पे आप x प्लस 15 को कॉमन निकालेंगे तो ये रहेगा x यहां पे एंड माइनस यहां आपके पास 3 बचेगा, दिस इज करेक्ट आंसर, फैक्टर्स हो गए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको और चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट यू है 40 + 3x − x², राइट। तो सबसे पहले तो आप इसको पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द टर्म एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 40।
सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर, दिस इज माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखूंगा, फिर मैं एक्स वाली टर्म लिखेंगे, फिर देन आफ्टर द कॉन्स्टेंट टर्म आपकी लास्ट में आएगी। अब फिर से आप देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आप ये मत देखिएगा कि माइनस नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिएगा, इजीली हम इसको कर पाएंगे। सम आपको चाहिए 3x, प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए 40 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 40x स्क्वायर आपको प्रोडक्ट चाहिए बच्चों, बस आपको इस पे ध्यान करना है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 40x स्क्वायर। तो 3x को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, अब देखिए जब सम आपको प्लस 3x चाहिए तो मतलब आपको बड़े वाला जो फैक्टर होगा, बड़े वाला जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, आप दो जो स्प्लिट करेंगे नंबर को, तो ग्रेटर वन शुड बी पॉजिटिव। सो 40 कब आता है आपके पास, 40 कब आता है, किन दो नंबर्स का आप प्रोडक्ट कर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 40 आएगा, 8 इंटू 5 बिल्कुल ठीक है, 8 को मैं प्लस लिख लेता हूं और 5 को मैं माइनस लिख लेता हूं, 8 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 3 आएगा मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, माइनस 5 इंटू 8 करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, फैक्टर्स मिल गया आपको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड माइनस 5x, 8 5 जा 40 एंड प्लस 40, ओके। अब देखिएगा मैक्सिमम कॉमन HCF, तो यहां से आप x कॉमन निकाल लीजिए या फिर माइनस x कॉमन निकाल लीजिए, दोनों ही ठीक है, माइनस एक्स कॉमन में निकाल लेता हूं तो मेरे पास यहां अंदर प्लस एक्स बचेगा और यहां माइनस बच जाएगा अंदर, बिकॉज मैं जब माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अंदर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, देखिए यहां 8 बच जाएगा क्योंकि अब माइनस एक्स को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और माइनस एक्स को माइनस 8 से करूंगा तो प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है, आप इसको रिवर्स में समझ सकते हैं, यहां पे आप मैक्सिमम कॉमन लेंगे, माइनस 5 कॉमन ले लेता हूं मैं, राइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस 8 ओनली, ओके। अब देखिएगा एक्स माइनस 8 आपके पास दोनों ब्रैकेट में आपके पास सेम वैल्यू आ रही है दोनों ही टर्म में, ओके, एक्स माइनस 8 कॉमन लिया तो यहां माइनस एक्स और यहां माइनस 5 हो जाएगा, राइट, और इसको आप थोड़ा सा और बेटर वे में लिख पाए तो आप यहां से माइनस कॉमन निकाल दीजिएगा, माइनस कॉमन आ गया, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 5, ओके, ये दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट दोनों वेरिएबल इसको माइनस अगर हमें खत्म करना है दोनों से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिएगा, बाहर लिख दीजिएगा, बिकॉज बोथ द टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, तो हम बाहर लिख सकते हैं, मैंने दोनों यहां से माइनस कॉमन लिया दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को यहां इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका 8 माइनस एक्स और ये आपका एक्स प्लस 5 रहेगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, यहां पे फिर से आपने देखा कि टर्म्स आपकी अरेंज फॉर्म में है, नो नीड टू अरेंज अगेन, इस पर आपको सम चाहिए 3a, सम चाहिए आपको 3a, प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस 88a, राइट, तो आप सबसे पहले माइनस 88 के फैक्टर्स करके बताइएगा क्या रहेगा, तो हम कर लेते हैं माइनस 11 और प्लस 8, वेरी इजी, देखिएगा माइनस 11 करने से क्या हो रहा है कि माइनस का 3 आएगा, तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं और ये माइनस कर लेते हैं, नाउ दिस इज गुड, प्लस 11 रखूंगा माइनस 3 करूंगा माइनस 8 करूंगा तो प्लस का मेरे पास 3 रहेगा और माइनस प्लस 11 इंटू 8 करूंगा माइनस 88 आ रहा है आपके पास, राइट, सो इट इज करेक्ट। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 8a माइनस 88, लीजिएगा आपकी टर्म स्प्लिट हो गई है, 3a को आपने स्प्लिट कर दिया है, 11 माइनस 8 3 होता है, अब यहां से a कॉमन निकाल लीजिएगा a प्लस 11 और माइनस 8 कॉमन निकाल लीजिएगा a प्लस 11, ओके, अब यहां से a प्लस 11 कॉमन निकालिएगा और यहां a माइनस 8 आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा, जैसे ही आपने 11 प्लस a कॉमन निकाला दोनों टर्म से तो यहां a आपके पास है और यहां 8 आपके पास है, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए लास्ट बी पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा चेंज किया है, अकॉर्डिंग टू द बुक से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, क्यों, इस बार आपको प्रोडक्ट देखने में थोड़ा सा चीजें और समझ में आएगी। देखिए आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट आपको बच्चों चाहिए इस टर्म का और इस टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा कर देता हूं, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, देखिए 15 इंटू 3 45 45y स्क्वायर आपको प्रोडक्ट चाहिए, राइट,
पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए वहां पे जो आपकी स्क्वायर वाली जो टर्म थी उसमें उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं था, मीन उसके साथ कांस्टेंट 1 था, राइट। इस बार मैंने इस टर्म का एक कांस्टेंट लिया है, दैट इज 3, ओके। तो 15 × 3 = 45 वाई स्क्वायर आपको प्रोडक्ट चाहिए, ओके। एंड सम आपको चाहिए -4y, राइट। अब देखिएगा आपको 4y को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट आपको चाहिए 45, तो 45 को स्प्लिट करने में आप देखिएगा -45 प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे आप स्प्लिट करेंगे, राइट। 9 × 5 45 होता है मेरे पास, 9 × 5, राइट। क्या 9 और 5 को प्लस करने से क्या आप देखिएगा 14 आएगा, बट 9 और 5 का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो -5 आएगा और -4 आएगा, तो मुझे डिफरेंस चाहिए -4, तो मैं क्या करता हूं बड़े वाले को नेगेटिव रखता हूं और छोटे वाले फैक्टर को मैं पॉजिटिव कर देता हूं। अब मेरे को बिल्कुल आपका फॉर्मेट मिल गया है, ओके। दैट इज 3y² - 9y + 5y - 15, ये लीजिएगा फैक्टर्स हो गए आपके, ओके। आपने स्प्लिट कर दिया है अपने मिडिल टर्म को, लीजिए, ओके। 9 × 5 = 45 और 9 - 9 + 5 - 4, अब आप मैक्सिमम कॉमन निकाल दीजिएगा, 3y कॉमन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, 3 भी कॉमन आएगा कांस्टेंट और y भी कॉमन आएगा, तो यहाँ y - 3 आपके पास लेफ्ट रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन है, दोनों टर्म से 5 निकालेंगे तो y - 3, देखिएगा यहीं पे आपको पता लग गया दोनों ब्रैकेट में आपके पास सेम वेरिएबल सेम टर्म आपके पास कांस्टेंट बच रहा है, तो इस y - 3 वाला आप टर्म कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, तो आपके पास यहाँ 3y और यहाँ +5 आ गया। These are your factors. Okay. चलिए ये था हमारा up to D part. Next part के लिए आगे बढ़ते हैं. Dear students, next question we have the E part of the question number 1 C. अब फिर से आप वही देखिएगा, आप अपना focus करिएगा उसी question पे उसी तरीके से कि आपको इस expression को algebraic expression को factorization करना है. तो कैसे आप करेंगे, राइट। दिस इज एन एक्सप्रेशन विद वेरिएबल एक्स, सो सम आपको क्या चाहिए, सम आपको चाहिए 14, एस इज इक्वल टू 14x। थोड़ा सा अपने आप देख लीजिए कि आपको सम क्या चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए, राइट। सम मुझे चाहिए 14x एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए 45 × प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स के इक्वल चाहिए, तो 45x² प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, राइट। So, अब आपको देखना है बच्चों कि 45 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 45 के फैक्टर 2 जिनका सम आए 14 और प्रोडक्ट आए आपके पास 45, राइट। सो 45 के फैक्टर्स आपके बनेंगे 9 × 5 और 45 के फैक्टर आपके बनते हैं 15 × 3। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से सम किसका 14 आता है, 9 + 5 = 14 और 15 + 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, बट 15 - 3 करूंगा तो भी 12 आ रहा है, तो मीन दिस इज इनकरेक्ट, तो मेरा इस ये वाला फैक्टर मेरा सूटेबल आता है, राइट। आई विल यूज दिस, कैसे यूज करेंगे देखिएगा, इक्वल टू x² + 9x + 5x, जब दोनों ही टर्म पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, राइट। दिस इज 45, नाउ टेक आउट कॉमन फ्रॉम दिस मैक्सिमम HCF, तो x + 9 इट इज लेफ्ट, प्लस यहां से आप 5 कॉमन निकालेंगे तो x + 9 दिस इज राइट। नाउ इन दोनों यहां पे देखिएगा x + 9 भी है इस टर्म में और इस टर्म में भी x + 9 है, तो यहां से आप x + 9 कॉमन निकाल लीजिएगा, आपके पास बचेगा x + 5, ये आपके फैक्टर्स हो गए, राइट। इस तरीके से आप इजीली फैक्टर कर सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसके फैक्टर्स करके देखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट करते हैं, x² - 22x + 120, राइट। देखिएगा आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए और सम क्या चाहिए, मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले आपको सम और प्रोडक्ट को मार्क कर लेना है, सम आपको चाहिए -22x और प्रोडक्ट आपको चाहिए x² × 120, तो 120x² आपको प्रोडक्ट चाहिए, राइट। ये आपको प्रोडक्ट चाहिए, देखिए आप स्प्लिट करना है इस टर्म को, स्प्लिट करिएगा x² देखिएगा 120 कब आता है आपके पास, कि
इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो 120 आता है। 10 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो 120 आ जाएगा आपके पास, राइट। सो माइनस 10x एंड माइनस 12x और प्लस आ जाएगा 120, राइट। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो, और 10 इंटू 12 आपके पास रहेगा 120, x इंटू x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वनीला आपके प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो नाउ टेक आउट कॉमन मैक्सिमम, HCF कॉमन लेना है आपको। यहां से x कॉमन आ रहा है आपके पास x माइनस 10, यहां से आपके पास माइनस 12 कॉमन आएगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम कॉमन निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, x माइनस 10 आपके पास। अब देखिएगा यहां पे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है आपके पास, x माइनस 10 कॉमन है, ओके, एंड x माइनस 12 लेफ्ट हियर। जब हमने इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 10 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास यहां x है और यहां मेरे पास माइनस 12 बचेगा, राइट। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर जी पार्ट, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। सबसे पहले देखिए आपको सम क्या चाहिए, सम आपको चाहिए बच्चों माइनस 11x, ओके, माइनस साइन को साथ रखिएगा। प्रोडक्ट आपको चाहिए, देखिए एक्स स्क्वायर और 42 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस 42x स्क्वायर आएगा, राइट। अब आपको देखना है कि 42 किन दो नंबर की आप प्रोडक्ट करें तो आपके पास 42 आए। आपने देखा कि 7 इंटू 6 होता है, बट 7 प्लस 6 करूं तो भी मेरे पास 13 आता है, 7 माइनस 6 करें तो मेरे पास 1 आता है, मीन 11 कहीं पे नहीं आ रहा है, मीन ये वाला फैक्टर मैं यूज नहीं करूंगा, ओके। और देखिएगा 42 आपके पास कैसे आ सकता है, 14 इंटू 3 मेरे पास, 14 इंटू 3 भी 42 आता है, 14 3 जा 42 आएगा मेरे पास, एंड 14 माइनस 3 करो तो 11 आ रहा है मेरे पास, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 3x, बिकॉज मुझे सम चाहिए नेगेटिव, तो ग्रेटर टर्म को मैं नेगेटिव रखूंगा और स्मॉलर टर्म को मैं पॉजिटिव रखूंगा, और एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होगी, देन ओनली द प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा आपके पास। जब यहां पे नेगेटिव साइन हो, ओनली यहां पे नहीं, मैं कह रहा हूं यहां अगर नेगेटिव साइन हो तो समझ लीजिएगा एक फैक्टर नेगेटिव एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा आपके पास, ओके। सो माइनस 42, नाउ टेक आउट कॉमन मैक्सिमम, वही प्रोसेस, x कॉमन आएगा, x माइनस 14 एंड प्लस 3, और 3 कॉमन लेंगे जब इन दोनों में से तो मेरे पास बचेगा यहां x माइनस 14, ओके। देखिएगा दोनों सेम, एक दोनों टर्म में एक जो पेयर है वो सेम आएगा, x माइनस 14 इज कॉमन, देन x इज लेफ्ट हियर प्लस 3 यहां पे बच गया मेरे पास, राइट। ये आपके फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं h पार्ट के लिए, 2a माइनस 3, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 आपके पास है, ओके। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको सम और प्रोडक्ट क्या चाहिए, ओके। सम आपको चाहिए 2a, दैट इज पॉजिटिव 2a आपको सम चाहिए, एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 3, मीन माइनस 3 ए स्क्वायर आपको प्रोडक्ट चाहिए, राइट और नॉट, ये आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। अब आपको स्प्लिट करना है 3 को, 3 को आप कैसे करें कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो माइनस 3 आए और सम जो है वो 2a आ जाए। नाउ फैक्टराइज दिस, इसको आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करिएगा, ए स्क्वायर आपके पास है, आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट हियर 3a माइनस a, देखिए 3a में से एक 1a, आप इसको 1a कंसीडर करेंगे, 3a माइनस 1a करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, और 3a इंटू माइनस a करेंगे तो मेरे पास माइनस 3a स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो ये इसके स्प्लिटिंग हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए माइनस 3, ओके। नाउ हम कॉमन निकालेंगे मैक्सिमम a, तो आपके पास a प्लस 3 कॉमन आएगा यहां पे अंदर ब्रैकेट में, यहां से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकालेंगे, नथिंग इज कॉमन, बट नेगेटिव साइन इज कॉमन, तो आप ये सपोज कर सकते हैं कि आप माइनस 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर मेरे पास होगा a प्लस 3, राइट। अब दोनों टर्म में देखिए a प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहां से आप a प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे, राइट। a प्लस 3 आपका कॉमन आ गया, यहां बचेगा a, a माइनस यहां पे आपका 1 है, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा, जीरो नहीं कर देना है, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हो गए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, a प्लस 48। अब देखिएगा फिर से आपके पास तीनों टर्म पॉजिटिव है तो सभी कुछ टर्म जो फैक्टर वगैरह करेंगे हम सब पॉजिटिव रहेगा आपके पास, राइट। सो आपको सम क्या चाहिए, फिर से देखिएगा, सम मुझे चाहिए 14a और प्रोडक्ट मुझे चाहिए 48। आपको दो बातों पे फोकस करना है। अब देखिएगा 48 प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आप फैक्टर कर लीजिएगा कि कैसे कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 48 आता है, राइट।
48 होता है आपके पास, 8 इंटू 6, 8 6 जब 48 एंड 8 प्लस 6 14 हो गया फैक्टर्स राइट। तो स्प्लिट दिस मिडल टर्म, ए स्क्वायर प्लस 8a एंड प्लस 6a प्लस 48 राइट। यहां से आप a कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रहेगा a प्लस 8 प्लस यहां से आप 6 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आपके पास 8 प्लस राइट। नाउ इन दिस पेयर एंड इन दिस पेयर दोनों में देखिएगा a प्लस 8 कॉमन है आपके पास, तो यहां से आप a प्लस 8 कॉमन निकालेंगे तो यहां रहेगा मेरे पास a प्लस यहां रहेगा मेरे पास 6। तो ये आपके फाइनल फैक्टर्स हो गए। थोड़ा सा प्रोसेस बस आपको ध्यान रखना है, सम आपको क्या चाहिए, मिडल टर्म जो होती है उससे पहले आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल लिखा होना चाहिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, देन उससे स्मॉलेस्ट एंड देन कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ओके, ये भी आपको ध्यान में करना है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स को भी आगे पीछे कर दिया जाता है राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जे पार्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जे पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 राइट। सबसे पहले आपको देखना है बच्चों व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द सम यू हैव रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, पहले मैं सम लिखता हूं, सम मुझे चाहिए माइनस 4x एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए माइनस 21x स्क्वायर, दिस इज द सम। ओके, सेंट्रल टर्म जो होता है उतना आपको सम चाहिए क्योंकि आपको स्प्लिट इसी टर्म को करना है, सो यू रिक्वायर द सम दिस। माइनस 4x को टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो देखिएगा कि पहले 20 यू हैव सी 21 आपको माइनस 21 चाहिए, तो 21 के फैक्टर्स करिए सबसे पहले, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मेरे पास 21 आता है, मेरे पास 7 और 3 का जो मल्टीप्लाई आएगा बच्चों वो 21 आ रहा है एंड 7 माइनस 3 करता हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। ओके, सो आपको 7 जो है वो नेगेटिव रखना पड़ेगा और 3 जो है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सो दैट की प्रोडक्ट भी आपके पास नेगेटिव आए, और माइनस 7 प्लस 3 करूंगा तो मेरे पास माइनस 4 डिफरेंस भी आ रहा है इनका। ओके, आप ऐसे इजीली थोड़ा सा रफली रफ कॉलम में लिख के इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21, लीजिए आपका स्प्लिट हो गया सेंट्रल टर्म। ओके, नाउ टेक आउट कॉमन फ्रॉम दिस, x कॉमन आ गया मेरे पास और x माइनस 7 और प्लस यहां पे 3 कॉमन आ गया और x माइनस 7 आपके पास यहां पे बचेगा। ओके, नाउ देखिएगा दोनों ही पेयर में x माइनस 7, आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि आपके जो फैक्टर्स आपने किए हैं दैट इज करेक्ट और नॉट। दोनों ये वाला कॉमन लेने के बाद आपके पास दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू बचेगी राइट। सी हियर, सो यहां से मैं x माइनस 7 कॉमन ले लूंगा तो यहां आपके पास x प्लस 3, ये आपके फैक्टर्स हो गए राइट। तो थोड़ा सा आप आइडिया लेंगे धीरे से और इजीली आप फैक्टराइज कर पाएंगे इसको। ओके, सी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 5y square plus y 5y minus plus y square minus 36 it is right। So देखिएगा यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है, मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले आपको देखना है क्या आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है दैट इज इन द पावर ऑफ द वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। देखिएगा y square मेरे पास बाद में है, y पहले है मेरे पास, तो इसको मुझे सबसे पहले तो अरेंज करना है अकॉर्डिंगली। y square should be written first एंड प्लस 5y एंड माइनस 36। ओके, ये सब क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिनमें आपके पास कोफिशियंट जो फर्स्ट वाला है उसमें इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, y स्क्वायर के पास कोई कांस्टेंट नहीं है। तो देखिएगा मुझे यहां सम कितना चाहिए, सम मुझे चाहिए 5y राइट, सम इक्वल टू दिस टर्म एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए माइनस 36y स्क्वायर, माइनस 36y स्क्वायर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सो माइनस 36 के आप फैक्टर्स करिए सो दैट कि आपके पास प्रोडक्ट आए माइनस 36 और सम आपके पास आ जाए 5। सो थिंक अबाउट दैट कि 9 इंटू 4 आपके पास एक फैक्टर होता है राइट, 9 इंटू 4, 9 4 से 36 होता है, और अगर मैं 9 जो है वो प्लस का ले लेता हूं और 4 जो है वो माइनस का ले लेता हूं तो प्रोडक्ट मेरे पास यही रहेगा और सम जब करूंगा तो मेरे पास 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बन गए आपके फैक्टर्स, वेरी इजी दिस इज राइट। तो y स्क्वायर नाउ स्प्लिट दिस, प्लस 9y माइनस 4y माइनस 36, टेक आउट कॉमन y फ्रॉम हियर, y कॉमन लेंगे y प्लस 9 माइनस y 4 कॉमन आ गया और y प्लस 9 दिस इज राइट। सो आपके पास यहां बचेगा बच्चों y प्लस 9 कॉमन आप अब ले लीजिएगा एंड दिस बिकम y हियर एंड माइनस 4 यहां पे आपके पास हो गया, आपके फैक्टर्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एल पार्ट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस बार। देखिए नेक्स्ट पार्ट एल पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
पहले आपको प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, और उससे पहले भी आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। देखिए यहाँ पे मेरे पास पहले ए स्क्वायर माइनस फाइव ए होल स्क्वायर है और माइनस 36 है। डायरेक्ट आप इसमें फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस फाइव ए होल स्क्वायर एंड आई कैन राइट 36 एज 6 स्क्वायर। नाउ दिस इज यूर ए एंड दिस इज यूर बी। इस कंप्लीट को आप ए मान लीजिए। आपके पास आइडेंटिटी होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आपके पास कैपिटल ए हो गया, राइट, एंड दिस इज कैपिटल बी आपके पास। सो मीन आप इसको लिखेंगे पहले ए माइनस बी, ये पूरा ए है मेरे पास, माइनस बी माइनस सिक्स, राइट, एंड ए, दिस कंप्लीट इज ए मेरे पास, एंड प्लस सिक्स, ओके। अभी देखिए आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं, मीन के एक ऐसे दोनों ही वेरिएबल में ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस सिक्स, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स, राइट। तो अब हमें दोनों के फैक्टर्स करने होंगे, इसका अलग फैक्टर्स होंगे, इसका अलग फैक्टर्स होंगे, और हम इनको फिर उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आ गए हैं, सिंपल सी बात आप ये कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से ये रिपीट कर देता हूं कि आपने कैसे किया ये। देखिएगा, दिस होल स्क्वायर माइनस 36 वाज गिवन, मैंने 36 को कुछ नहीं लिखा, मैंने 36 को लिखा है 6 स्क्वायर। अब आपका एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यू हैव टू मेंशन दिस, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है, राइट। तो ये पूरा मेरे पास ए स्क्वायर है और इसको मैं बी स्क्वायर मान लेता हूं, ओके। तो सबसे पहले ए, दिस इज ए स्क्वायर, मीन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए, ये मेरा कैपिटल ए हो गया, ए माइनस सिक्स और ए प्लस सिक्स। आप इसको पहले प्लस लिख सकते हैं, बाद में माइनस बी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इसके फैक्टर्स करते हैं, देखिएगा मैं अभी क्या करते हैं, इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाइएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जब लगाएंगे तो आपको सम क्या चाहिए, सम आपको चाहिए बच्चों माइनस फाइव ए, और प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस सिक्स। तो 2 × 3 मेरे पास हो जाता है, और दोनों ही फैक्टर्स को मैं माइनस नेगेटिव रखूंगा, तो इस केस में होगा ये नेगेटिव दोनों इसमें आएगा, सो दैट कि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पे मुझे फैक्टर कैसे करना पड़ेगा, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस ए माइनस सिक्स, यहां पे आपके फैक्टर्स ऐसे बनेंगे, ओके। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। नाउ दिस इज, क्यों देखिए 5a को मैंने स्प्लिट किया, 5a को बच्चों मैंने लिखा 6a माइनस का एंड प्लस a, तो माइनस 6a में से प्लस a माइनस जाएगा तो माइनस 5a बचेगा आपके पास, दैट इज करेक्ट। एंड माइनस 6a को 1a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6a स्क्वायर ही आपको प्रोडक्ट चाहिए, राइट। अच्छा यहां पे देखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6, यहां पे आपके फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे, ओके। देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट लिख देता हूं, आपको शायद विजिबिलिटी ना बने। देखिए यहां मुझे सम चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था प्लस सिक्स, यहां मुझे प्रोडक्ट माइनस सिक्स चाहिएगा, तो मैंने ऐसे फैक्टर किए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां मुझे प्रोडक्ट जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, और दोनों फैक्टर्स जो स्प्लिट कर रहे हैं मुझे वो उनका सम जो नेगेटिव चाहिए, तो दोनों टर्म को नेगेटिव रखना पड़ेगा मुझे, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6 ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। अब वही कॉमन का प्रोसेस आपका रहेगा, यहां पे कॉमन निकालिएगा, यहां से आप मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ए कॉमन रहेगा बच्चों, और ए माइनस सिक्स यहां पे आ गया, यहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए माइनस सिक्स आपके पास आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और यहां से फिर से ए आपके पास कॉमन रहेगा ए माइनस टू, और यहां आपके पास माइनस थ्री कॉमन रहेगा, तो ए माइनस टू आपके पास आ गया, ओके। चलिए अब ऊपर लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहां पे a माइनस सिक्स कॉमन आ गया, देखिएगा a माइनस सिक्स इंटू आपके पास आएगा a यहां और प्लस वन, यहां कुछ नहीं है, मतलब आप वन लेके चलेंगे, जीरो मत लिख देना, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस वन, ओके। नेक्स्ट यहां पे आइएगा, अब a माइनस टू आप कॉमन ले लेंगे, a माइनस टू दोनों ब्रैकेट से, दोनों से कॉमन ले लिया, और a यहां पे और थ्री यहां पे, a माइनस थ्री आपके पास यहां बच जाएगा, a माइनस थ्री। So, अब ये ऐसा था मेरा, ये भी लाइक दिस और लाइक दिस, तो अब दो वो ऑल आर इन प्रोडक्ट, आई कैन ओपन दिस ब्रैकेट, ए माइनस सिक्स ए प्लस वन ए माइनस टू ए माइनस थ्री, राइट। यहां पे मेरे पास दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थे, दैट्स व्हाई इनका जो प्रोडक्ट आया मेरे पास
वो फोर टर्म्स में आएगा। अगर ओनली वन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है तो मुझे मेरे पास सिर्फ दो टर्म आती है, यहाँ पे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गए थे। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम एम पार्ट के लिए। ए प्लस सेवन ए माइनस सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस सेवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए प्लस सेवन ए माइनस टेन, सॉरी नॉट सिक्स, ए माइनस टेन एन प्लस सिक्सटीन, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पे फिर से आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि यहां पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा देते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन यहां पे बच्चों माइनस नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां कभी नहीं लग सकता है। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए आप, पहले मैंने ए को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, सो ए इंटू ए माइनस टेन, फिर मैंने प्लस सेवन को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस टेन के साथ, प्लस आपका रहेगा 16 राइट एज इट इज। ओके, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस सेवन ए माइनस सेवनटी। ओके, सेवन इंटू टेन सेवनटी, सेवन को ए से किया सेवन ए, सेवन को टेन से किया सेवनटी, प्लस आपका आ रहा है 16। नाउ लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर दीजिएगा। ओके, दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टेन ए प्लस सेवन ए, और यहां आपके पास माइनस 54 आ गया। जब मैंने यहां लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर दिया, दीज टू वर लाइक टर्म्स 10a और 7a माइनस 3a, 70 एंड 16 बोथ आर कांस्टेंट टर्म, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस 54 आएगा। अब देखिएगा, अब यहां पे हम यहां स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे फिर से, तो आपको 3 को माइनस 3 को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट आपको चाहिए बच्चों माइनस 54 और सम आपको चाहिए माइनस 3a। ओके, सम माइनस 3a चाहिए, प्रोडक्ट आपको माइनस 54 चाहिए, तो माइनस 54 के फैक्टर्स करिएगा, कितना आता है मेरे पास 6 into 9 into 6 मेरे पास होता है, तो माइनस 9 अगर मैं रख लूं और प्लस मैं 6 कर दूं तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए एग्जैक्टली आपको मिलेगा प्लस 3 आपके पास, जब प्लस करूंगा तो प्लस 3 आएगा मेरे पास, प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास माइनस प्लस माइनस 54 आ जाएगा, राइट। सो इजिली मुझे फैक्टर्स मिल गए हैं ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 6a माइनस 54, राइट। सो टेक आउट कॉमन, यहां से a कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो a माइनस 9, और यहां पे आपके पास प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 9। अब यहां पे a माइनस 9 कॉमन लीजिएगा और a प्लस 6, ये आपके फैक्टर्स आ गए, राइट। आई एम राइटिंग दिस स्टेप हियर, a माइनस 9 आप कॉमन लेंगे, a माइनस 9, और यहां पे a है मेरे पास, a प्लस 6 आपके पास, ये दो फैक्टर्स आ गए, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेरी सून।